हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल एंड आई एम सोनम प्रजापति। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ऑनलाइन तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो तो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मिस ना करना और इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, ओके ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वेबसाइट है ऑनलाइन सामान खरीदने की वो कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, पहली जो वेबसाइट है जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं वो होती है फ्लिपकार्ट, और दूसरी जो वेबसाइट है वो है स्नैपडील, और तीसरी जो वेबसाइट है वो है अमेज़ॉन, और फ्रेंड्स अगली जो वेबसाइट है वो है yepme.com, और इसके बाद की है paytm, और इसके बाद की है jabong, और फिर इसके बाद जो अगली वेबसाइट है वो है shopclass.com, और फ्रेंड्स इसके बाद अगली जो वेबसाइट है वो होती है mantra.com। सारी वेबसाइट भारत की बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग पर लोगों को जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो किसी प्रोडक्ट का कम कीमत पर मिलना। ऐसे में शॉपिंग करते वक्त कीमत की तुलना करना बिल्कुल ना भूलें। कई बार दो अलग अलग वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट की कीमत में 100 रुपये से 500 रुपये का तक अंतर आ जाता है। साथ ही प्रोडक्ट की असल कीमत भी ज़रूर देखें। सबसे ज़रूरी बात, कई बार दो प्रोडक्ट के मॉडल नंबर में बहुत ही मामूली अंतर होता है लेकिन कीमत पूरी तरह से अलग हो जाती है। ऐसे में प्रोडक्ट के मॉडल पर ज़रूर ध्यान दें। बिग ऑफ़र, आज का ऑफ़र। ज़्यादातर वेबसाइट कई प्रोडक्ट पर बिग ऑफ़र देती है, साथ ही आज का ऑफ़र भी देती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं तो उसे इन दोनों कैटेगरी में ज़रूर देखें। इन वेबसाइट पर कई बार किसी दिन सप्ताह या फिर फेस्टिवल के समय 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसे में जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं वो इन ऑफ़र पर नज़र रखें। कूपन और प्रमोशनल कोड का इस्तेमाल। ऑनलाइन सेल करने वाली कई वेबसाइट कस्टमर को ऑफ़र, कूपन और प्रमोशन कोड भी सेंड करती है। इन कोड के मैसेज भी आपको मोबाइल पर आते हैं, साथ ही यह बोनस पॉइंट भी देती है। इन सभी बातों का फ़ायदा ये होता है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तब ऑफ़र, कूपन, प्रमोशन कोड और बोनस पॉइंट का इस्तेमाल से उस प्रोडक्ट की कीमत बहुत ही कम हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ़र। कई यूज़र्स नया प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, साथ ही अपने पुराने प्रोडक्ट को बेचना भी चाहते हैं। ऐसे में वो इसके लिए एक्सचेंज ऑफ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई यूज़र्स अपने पुराने फ़ोन को ऑनलाइन एक्सचेंज कर नया स्मार्टफोन ख़रीद सकते हैं। इस तरह के ऑफ़र में कंपनी और पुराने प्रोडक्ट से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछती है और फिर उनकी एक्सचेंज कीमत आपको बता देती है। कैश और डिलीवरी। ऑनलाइन शॉपिंग में कैश और डिलीवरी सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है, इसे COD कहते हैं। इस ऑप्शन में चलते यूज़र्स अपना प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी कीमत देता है। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पेमेंट के साथ COD और EMI के ऑप्शन मौजूद रहते हैं। ऐसे में आप COD का चुनाव कर सकते हैं। फ्री शिपिंग। आप ऑफिस के दौरान जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदे तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी शिपिंग फ्री है या नहीं। दरअसल कई प्रोडक्ट पर वेबसाइट फ्री शिपिंग नहीं देता और डिलीवरी के वक्त उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ती है। ऐसे में फ्री शिपिंग का होना भी ज़रूरी है ताकि आपकी जेब पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आए। इसके लिए आप एक बार फिर कुछ वेबसाइट की तुलना कर सकते हैं। ईमेल और पता। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपके पास ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जब आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो ईमेल आईडी का भी ऑप्शन आता है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रोडक्ट से जुड़ी सारी जानकारी आपके मेल आईडी पर आ जाए।
इसके साथ प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए ऐसा एड्रेस देना चाहिए जो आसानी से डिलीवरी बॉय को मिल जाए। हालांकि पता नहीं मिलने की सूरत में वो आपसे मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है ईएमआई का ऑप्शन। आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग के समय ईएमआई का विकल्प चुन सकते हो। इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि कई प्रोडक्ट ईएमआई पर भी उतनी ही कीमत में मिल जाते हैं, जैसे कि आपकी जेब में एक साथ पैसा नहीं जाता और ईएमआई भी आसानी से चुका पाते हैं। ईएमआई भी 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के ऑप्शन भी दे सकते हैं। पेमेंट सिक्योरिटी। ऑनलाइन शॉपिंग के समय कई लोगों को पेमेंट सिक्योरिटी का डर रहता है। ऐसे में जब आप किसी फेमस वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं तो वो अपने पेमेंट ऑप्शन को पूरी तरह सिक्योर रखती है। उनकी साइट पर प्रोडक्ट और सिक्योरिटी से जुड़ी सर्टिफिकेट भी रहता है। हालांकि इसके बाद भी आपके मन में डर है तो आप COD, कैश और डिलीवरी का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो COD का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। ट्रैक योर ऑर्डर। प्रोडक्ट की बुकिंग करते समय वेबसाइट उसकी डिलीवरी से जुड़ी जानकारी भी शेयर करती है, यानी आपको उसकी डिलीवरी कितने दिन में मिलेगी। साथ ही प्रोडक्ट की बुकिंग के बाद वो आपको एक ऑर्डर ID भी देती है, जिसकी मदद से आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि कई बार तय समय से पहले ही प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा दिया जाता है। प्रोडक्ट की जांच और रिटर्न ऑप्शन। जब भी आपका बुकिंग किया हुआ प्रोडक्ट मिल जाए तो सबसे पहले उसकी जांच करें, यानी अपने जो प्रोडक्ट चुना था क्या वो सही है। इसके बाद उसका बिल, वारंटी, सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट भी चेक करें। आपको लगता है कि प्रोडक्ट में कोई कमी है या फिर ये टूटा फूटा है, उसे रिटर्न करने का भी ऑप्शन मौजूद रहता है। तो फ्रेंड्स, आप शॉपिंग करते समय प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके थोड़े नहीं, कुछ पैसे तो बचेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।